अरे काहे रोक रहे हैं आप इसको? गैया है सर गाड़ी पे। अरे कहीं आप कौन होते हैं रोकने वाले? जो भी अगर इसमें लिप्त होंगे उस पर कार्रवाई होगी। सुना आपने, नींद खुल गई है। तभी तो डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं पशु तस्करी रोकेंगे, कार्रवाई करेंगे। तस्करी के खेल का इतने बड़े पैमाने पर कई महीनों से कारोबार चल रहा था, तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बड़ा सवाल है। उधर पशु तस्करी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऑडियो सामने आया है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। हेलो सर। हाँ हेलो, बोल रहे हैं हम लोग रसलपुर से। रसलपुर कहाँ है सर? कौन है रसलपुर? बेनी रसलपुर, जो उस दिन आए थे ना आपका, इसमें कौन चीज में? थाना में आए थे जो गाड़ी, चार गाड़ी का एंट्री करवाए थे। हाँ हाँ, पर आपका कदवा थाना में। अरे यार, कदवा थाना में हमको तू कहाँ से देखा होगा? अभी क्या मीटर क्या है ये बताओ। ये रोक रहा है जब हर जगह गश्ती गाड़ी में ही कर ही करते ही है। थाना कौन थाना रोक रहा? कौन रोक रहा है? यही लोग। कौन है वो? आप जिससे जो फोन लगाया वही है। एक बार दो तो। ऑडियो रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद अब परत दर परत पुलिस के मेल का, तस्करी के खेल की बड़ी तस्वीर साफ हो रही है। वायरल ऑडियो में मवेशी तस्कर और कदवा के थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के बीच बातचीत हो रही है। हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। इस ऑडियो के सामने आने के बाद सवाल ये उठता है कि दावा तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम कैसे रोकेंगे तस्करी के खेल को, जब इसे रोकने वाले ही इस गोरख धंधे में शामिल हों? तब कार्रवाई के दावे पर यकीन करना मुश्किल लगता है। एक बार फिर सुनिए ये ऑडियो और समझने की कोशिश कीजिए कि जब नीतीश कुमार के रणबांकुरे को मवेशी तस्करी की सूचना दी गई तो उसने क्या किया और क्या कहा। एक बार दो तो। लीजिए। अरे काहे रोक रहे हैं आप इसको? गैया है सर गाड़ी पे। अरे कहीं आप कौन होते हैं रोकने वाले? नहीं रोक सकते हैं। बड़ा अजीब आदमी है, हमको फोन दे दिया, हमको क्या पता कि क्या, हमको लगा मेरा फोर्स का कोई आदमी है। कहाँ जा रहा है वो? जा रहा सर आजम नगर साहब। तो आजम नगर साहब जा रहा था, काहे ऐसा कर रहे हैं भाई? अभी हम आईबो ने किया ना, जान रहे पहचान रहे, हमको फोन थमा दे रहे हैं किसी को। अच्छा ठीक है सर, अच्छी बात, कम से कम समझने तो दीजिए। ठीक ठीक। गलत क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के ये रणबांकुरे। आप कौन होते हैं मवेशी की तस्करी की सूचना देने वाले? आप कौन होते हैं गोरख धंधे की तस्दीक करने वाले? आप कौन होते हैं तस्करी की जाने वाली ट्रक को रोकने वाले? मतलब साफ है, अगर आप बिहार में रहते हैं, आपके सामने कोई अपराध हो रही हो, कोई तस्करी हो रही हो, तो मत रोकिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे, पुलिस को इसकी सूचना देंगे तो पुलिस आप पर ही कार्रवाई करेगी। अगर किसी के साथ हैवानियत हो रही हो, हमारे घर परिवार का वो चाहे सदस्य ही क्यों ना हो, अगर आप रोकेंगे टोकेंगे तो कानून की किताब में नया चैप्टर जोड़ चुके साहब आपको हवालात में डाल देंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस के करतूत ने कुछ ऐसा ही किया है। इस तरह की भाषा और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले कटिहार पुलिस के ऐसे जवानों के दम पर बिहार के डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कार्रवाई का। खैर, वो कितना सक्षम होंगे बड़ा सवाल है। बड़ा रैकेट चल रहा पशु तस्करी से जुड़ा हुआ। हाँ नहीं, निश्चित रूप से आपको और तमाम जो इस मुद्दे को उठाने का काम किया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी सरकार और हमारा विभाग और जो हमारा पुलिस तंत्र है, इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा। इस संबंध में हम सब आवश्यक कार्रवाई शीघ्र ही करने जा रहे हैं, जिससे कि इस तरह की तस्करी बंद हो और जो गौ संवर्धन है वो हम और बेहतर ढंग से कर सकें। और इस तरह की तस्करी हम सबों के लिए कलंक है। विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों को मिली भगत का भी आरोप लगा रहे इस तरह का कटिहार से। नहीं देखिए, जो भी अगर इसमें लिप्त होंगे उस पर कार्रवाई होगी। इसमें देखिए, जो इस तरह के तत्व होते हैं ना, वो सत्ता पक्ष के होते हैं ना विपक्ष के होते हैं। ऐसे तत्वों को सख्ती से निपटने की तैयारी हमारी सरकार कर रही है। थैंक यू।
अब सवाल ये कि क्या सरकार और सिस्टम से बढ़कर है पुलिस, जहां एक तरफ सरकार और सूबे के बड़े पुलिस अधिकारी जनता से अपराध की, अपराधियों की सूचना देने और अपने स्तर से उस पर रोक लगाने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीपल फ्रेंडली पुलिस पर जोर दी जा रही है। वहीं हकीकत यह है कि पुलिस सूचना देने वालों पर कार्रवाई कर देती है, गुनहगार को छोड़ देती है। चंद भ्रष्ट पुलिस अधिकारी सरकार के प्रयास में पलीता लगा रहे हैं, अपनी जेब भरने के चक्कर में बेगुनाहों को बलि का बकरा बना रहे हैं। जयप्रकाश भगत, कटिहार।